दोस्तों नमस्कार, मारे न्यूज रेमा ने आपरो घना मानु स्वागत है। औपचारिक रूप बतावणी छु, मारो नाम आईवी खान है। आप मने मारा फेसबुक पेज माते भी देख रहे हो तो मारा यूट्यूब चैनल माते भी देख रहे हो। दरअसल आज जेतान पंचायत समिति री आणंदपुर गाळू ग्राम पंचायत रे मान आयो, जेतान पंचायत समिति री हंगो मोटी ग्राम पंचायत कह सकता आणंदपुर गाळू है। और इन आणंदपुर गाळू ग्राम पंचायत रे मान है बिपर जोई तूफान लेने कई तैयारी है। इन तैयारी ने लेने भी वो मजमो लागो है, जो को भी है अटारा प्रशासन है, सरपंच साहब है और दिगर जो को भी अधिकारी है, तो इन तूफान रे बचाव रे बात ही अटे तैयारी। मारवाड़ी भाषा माने को आंधी बहुल है नी, जो को उड़दंग आ रही उन्हें बात है। लोग ने कई कई एहतियात बरतनो छे, कई कई जानकारी रहनी छे, इन्हें लेने एवं पूरो मजमो है। आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता भी आवेड़ा, गावरा मौजी लोग भी आवेड़ा और भी है, जो को भी सरकारी नुमाइंदा है, बिजली घर ले लो या पानी रहा ले लो और जितना भी इन मायने आवे नी, क्योंकि राज्य सरकार और निर्देश है, जिला कलेक्टर और निर्देश है, एसडीएम साहब और निर्देश है, केंद्र सरकार और निर्देश है। तो आज इन कड़ी रमानी इन आणंदपुर गाळू ग्राम पंचायत राजीव गांधी सेवा केंद्र माने गांव रा मौजी लोग है, भेलरियोड़ा जो को ग्राम सेवक जी है, अधिकारी जी है, जो को सरपंच प्रतिनिधि ए लोग अटे सुबह भेड़ा करिया और गांव वाले ने तमाम लोगों ने आज जानकारी दे रही है। और अपनी भाषा में ने जानकारी दी कि कर कहीं बचाव करनो को, खेजड़ी रे नीचे नहीं उबड़ो, बावले रे नीचे नहीं उबड़ो, थंबा रे नीचे नहीं उबड़ो, पत्र रे नीचे नहीं बैठनो, गाय डांडा ने एक पाड़े बांधनी। तो ए तमाम तरह की जानकारी है जो को ए भाई लोगों ने दिए। थोड़ा तेज राम जी ने थोड़ा नेड़ा हो। हाँ भाई सर, राम राम करू, कई नाम बक्सर राम है। बक्सर राम जी आप रो नाम है, अटे की करायो पंचायत रमान कौन है, थाने बुलाया की कराया, कई बात आया वार्ड पंच हो। अच्छा वार्ड पंच साहब हो, जने तो थाने तो जिम्मेवारी घणी रिया करे, जो को तूफान आ रियो एनी ठा थाने ग्राम सेवक जी मुंशी जी क्यों रही, गोड साहब का गोड साहब है, सरपंच जी क्यों रही, सरपंच साहब क्यों, आचार्य साहब क्यों रही, सब की सूचना देवी मैसेज दियो, जो थाने वार्ड वाला ने जो कह दियो सबको क्यों एहतियात पूरी पर। और राज बावड़ा भी पूरा लया, तिगारिया भी लया, गेते भी लया, क्योंकि कई बार एडी स्थिति रह जाए कर, अपार स्थिति रह जाए कर, उनमान यही जरूरत रहे, बैटरी भी लाया है, रेनकोट भी लाया और कोई कोई जोई जनी वे सब चीजें इन्हें ग्राम पंचायत माल, क्योंकि सरकार निर्देश एडा खड़ा है कि गाँव रहा आम जन तक आ जानकारी जानी चाहिए। तो आंगनवाड़ी री भाया बहन भी बैठी है, तो अणु में पूछ लू कौन घना पढ़िया लिखे कौन हो मरा। हाँ भाई जी कई नाम है आपरो, कई नाम है? सूरज देवे। सूरज देवे जी आपरो नाम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो? हाँ कार्यकर्ता। कई ग्राम सेवक जी क्यों की पल्ले पड़ी आपरे? हाँ पल्ले पड़ी। क्या उन्हों गाँव रे माने जितने भी आपरे भाया बहन है हंगने और टाबरा नहीं थोड़ी टाबरा ने आंगनवाड़ी वहां महीने नहीं बुलावना और बच्चा दूर रखना, क्योंकि कच्ची है, कोई जर्जर अवस्था है, इन कारण छत्र नीचे नहीं बिठावना बच्चन आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं बिठावना। तो आज जानकारी तो आपने है हंगनी? हाँ सब है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने भी आज जानकारी है, बच्चा ने नहीं बुलावना है, जो को शर्तीगढ़ से आंगनवाड़ी बहु ने कई गाँव रे माने शर्तीगढ़ से बड़ी काले परसों में निमेड़ा खुर्द्रे मान गयो, उन निमेड़ा खुर्द्रे गाँव रे माने आंगनवाड़ी देखी जो को हेटी पड़े जेडी, तो एडी बात सारी है। लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत है अटारा जो को भी शासन प्रशासन है पूरो पगा मत है लागोड़ो का इन्हें बचाव रहे उपाय रवाद, जो को भी आंधी बहुल आ रही मोटी आंधी बहुल आ रही, जिन्हों हको पूरो इन्हें मार मार नहीं पूरा देश भर मान वो हको है के 16 तारीख 17 तारीख 18 तारीख तक लगभग 3 दिन तक एहतियात बरतनो। इन 3 दिन मान हो सके जब तक जितना भी हमारा दर्शक देख रहा है, जरूर नहीं आणंदपुर गाळू पूरा राजस्थान रा देख रहा है और राजस्थान इतने और भी हमारे जो को भी देख रहे हैं, भी मारो निवेदन है जो को एहतियात ग्राम पंचायत आणंदपुर गाळू बते या राज्य सरकार जो को भी एडवाइजरी जारी करी, मौसम विभाग जो को भी एडवाइजरी जारी, उन आपने पालन करनो, हो सके तो जब तक रह सको तो आप घर में नहीं दीजिए। अब थाना राम जी थोड़ी कड़ी की बात करा। हाँ थाना राम जी राम राम करूँ। राम राम सर। राम राम। कई जानकारी दी ग्राम पंचायत खान साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी जानकारी आपके सोशल मीडिया से दे रहे हो, इसे हमको बहुत खुशी है, आपको बहुत हम आभार करते हैं पंचायत की तरफ से। और पंचायत में मैं रसा गेंती पावड़ा तैयार है और ला करके तैयार करेंगे, जमा करेंगे और रात दिन तूफान आएगा तो हमारी पंचायत खुली रहेगी और खुली रहेगा, कैसी भी आपदा आएगी तो उसके लिए पंचायत लगातार सहायता देने के लिए सहयोग करने के लिए 10 आदमी की टीम बनाएंगे और टीम ये जब तक तूफान रहेगा जब तक वो टीम 24 घंटे तैयार रही। और यूं आणंदपुर गाळू ग्राम पंचायत तो हमेशा ही पगा मत रहे वो। आप भी मेरे एक आचार्य साहब है जो को प्रगति प्रसाद अधिकारी है, ए भी आयोडा है, ए भी हालांकि जानकारी मोटी मोटी तौर जानकारी सुरेश घोड़ साहब भी है, जो कोटरा वीडियो साहब है, एनी जिम्मेवारी ज्यादा रह करे। हां साहब कई की जानकारी दी
मौसम विभाग ने बताया कि 16, 17 और 18 तारीख को हमारे राजस्थान और पाली जिले में भारी तूफान जिसका नाम विप्र जो तूफान है वो आने वाला है। उसके लिए प्रशासन ने विभिन्न प्रकार की जानकारी लोगों तक शेयर की है और हमने यहाँ मीटिंग का आयोजन किया है कि सबको पता चले कि क्या क्या करना है, क्या जिसमें भारी तूफान आने वाला, तेज हवा चलेगी, अंधड़ आएगा, बारिश आएगी, उसके लिए वार्ड पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और पटवार जी, सरपंच साहब और बिजली विभाग के अधिकारी, राजस्व विभाग के अधिकारी सभी को यहाँ इकट्ठा किया गया है और सभी को इस बारे में बताया गया कि लोगों तक जानकारी कैसे पहुँचाई जाए। बाहर ज़्यादा नहीं घूमे, टीन शेड है तो अपने घरों का बंद रखे ताकि ज़्यादा हवा नहीं आए अंदर, पशुओं को एक जगह रखे और पंचायत द्वारा उनके बचाव के लिए विभिन्न साधन भी लाए गए हैं और स्विमिंग वाली टीम तैयार की गई है। पूरो एहतियात वर्दी यानी कि एड़ी स्थिति रजा, बाढ़ की स्थिति रजा, घना बरसात की स्थिति रजा, तो अटे तेज राम जी जड़ा कई तिराग भी है तो वेन भी तैयार करे। तो बहरहाल जितना भी आज कहीं है पूरा इन पाली जिला रमान है जितनी भी ग्राम पंचायत है, जैतान पंचायत समिति ले लो, रायपुर पंचायत समिति ले लो, सोजत रायपुर पंचायत समिति ले लो, रोहित ले लो या सुमेरपुर ले लो, दिगर जितना भी पूरा मारवाड़ परगना रमान है नहीं, तो आरा एहतियात बरती है। शासन प्रशासन का पूरा निर्देश है पाली और मालिकों आ दुआ करा का आवेज को नियड़ो और मोटी मोटी तौर तो आवेज को नहीं, आ टड़ा है जो राम जी महाराज बचाव है तो हैंग हो रहा रिजो और एहतियात जरूरत बरतो। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। मौसम विभाग की जारी चेतावनी के अनुसार आने वाले दिनों में 16 से 18 जून तक प्रचंड चक्र विपुल जो तूफान के लोगों के संबंध में सावधानियां बरतनी है। इसका सभी लोग अपने अपने वार्ड में लोगों को सावधानी के लिए प्रेरित करें, पशुओं को खुले पेड़ के नीचे नहीं रखें और अपने मोटरसाइकिल, दुपहिया, चार पहिया वाहन बिजली के खंभे के पास खड़े न करें या अनावश्यक उस दिन यात्रा से बचें। आवश्यक लोगों को ढाणियों और गांवों में सभी लोगों को हिदायत दे, तूफान की संभावना को देखते हुए सभी सावधानी बरतें, बिजली चमकने के, बड़े पेड़ों के नीचे, कच्चे मकानों में शरण लेने से बचे, तेज अंधड़ के समय बिजली के तारों के टूटने, खंभों के गिरने की संभावना है, सावधानी रखे, तेज हवा में बरसात के दौरान पेड़ों के नीचे हुए कच्ची दीवारों के पास खड़े न हो, पशुओं को खुले बाड़े में रखे तथा खूंटे से नहीं बांधे, बिजली के खंभों के नीचे वे पास दुपहिया चार पहिया वाहन खड़ा न करें, जिन घरों में टीन शेड है उनके गेट बंद रखें, बड़े होर्डिंग लगे स्थानों से दूर रहे, विद्युत खंभों, तारों व ट्रांसफॉर्मर आदि से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, वे नजदीक सुरक्षित स्थान पर शरण ले, तेज बहाव के वाहन न उतारे, आपात स्थिति में टॉर्च, रेनकोट व छाते का प्रयोग करें, बैटरी से संचालित मोबाइल, इन्वर्टर इत्यादि उपकरणों को फुल चार्ज रखें, पशुओं को भारी बारिश से बचाने हेतु सुरक्षित स्थान पर जावे, पशु चराने वाले चरवा मौसम पूर्वानुमान के मध्य नजर रखते हुए पशुओं को बाहर न लेकर जावे, इस प्रकार की सभी सावधानियां रखें और अपने अपने वार्डों में गाँव के लोगों को ये आवश्यक सावधानी बरतने हेतु निर्देशित करें और सब इसका प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को अनावश्यक दुविधा न हो। प्राकृतिक आपदा है, इससे कोई बचाया नहीं जा सकता है, कहीं पे भी किसी भी टाइम पे ये आ सकता है। तूफान 150 से 180 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है और इसका मोड़ किधर आएगा ये किसी को मालूम नहीं। अपने घरों में जो छते हैं, जो चादर है, चादर के ऊपर पत्थर या चादर को बंद के कस के रखो और घर में तूफान आवे आपने भेड़ बकरी गाय भैंस को खुला रखो ताकि वो अपना जीव बचा करके कहीं भी जा सकती। भयंकर तूफान है, आपको सबको सावधानी बरतनी है, सावधानी से ही सब कुछ हो सकता है। बाकी ये चेतावनी है सरकार की, बाकी सावधानी अपने को बरतनी है। हाँ, खुला में छोड़ दो, खुला में छोड़ दो और खुद अवचेती हो, तूफान आई, तूफान रहा तो बारिश आई, हो सके टल जाओ तो अपना भाग है।
नहीं चले तो अपन सावधानी रखनी। क्या बात है।